हेलो स्टूडेंट्स, आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि हम पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख रहे हैं और शॉर्टकट में उसके एटॉमिक नंबर को याद करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1A एंड 2A के एलिमेंट्स बताए हैं, जिसे अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपने ये भी देखा था कि एलिमेंट्स को कैसे याद करना है और साथ ही साथ हमने उसके नंबर्स भी सीख लिए थे, एटॉमिक नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट टू ग्रुप है वो हम, अब अगर आप 2A के बाद 2B और 3B बोलना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप P ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर 3 और 4 ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पैटर्न पे हम याद रखेंगे, तो आप देखते हैं ना, अपना एक पर्स आता है, लेडी पर्स आता है बैगेट के नाम से, है ना, BAGIT, उसी के नाम से, पर्स के नाम से आप याद कर लीजिए। तो B इज़ फॉर बोरॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम यानी A, और G जो है वो गैलियम, I जो है वो है इंडियम, एंड TI जो सिर्फ T से भी आप डिनोट कर सकते हैं, दैट इज़ थैलियम, THALLIUM। अब आपको याद करना था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एंड दीज 5 एलिमेंट्स आर ऑफ 3A भी कह सकते हैं और 3 ग्रुप एलिमेंट्स भी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बी इज फॉर बोरॉन, मैं यहाँ पे किसका नाम लिख सकती हूँ, बोरॉन, और 1 to 20 मैंने आपको याद करना सिखाया है, वैसे भी 1 और 2 हो चुका है, तो यहाँ पे आपका, सॉरी 1 और 3 हो चुका है क्योंकि 2 हीलियम वाली सीरीज है, तो बोरॉन का क्या है, 5 है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एल्यूमिनियम, AL, नेक्स्ट इज फॉर गैलियम, GA, देन नेक्स्ट इज फॉर इंडियम, IN। लास्ट नंबर में आपको, जैसे उस समय मैंने आपको सिखाया था कि आप उसको याद रखिए कि इट इज़ नथिंग बट वॉज FR और RA का 87, 88, याद होगा आपको, वैसे ही यहाँ आपको याद रखना है कि थैलियम का 81 और जो इधर आएगा, दैट इज प्रॉब्लम से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज लेड, PB 82, तो 81, 82 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 बोरॉन हो गया। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का कैसे याद करना है, क्या तरीका मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्लस 8 करना है, यानी एल्यूमिनियम का कितना होगा, 13। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, 8 ऐड करना है और 10 आगे बढ़ जाना है, यानी 13 में अगर मैं 8 ऐड करूँगी तो कितना होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और प्लस 10 आगे बढ़ जाना है, यानी ये होगा 31 गैलियम, ठीक है। फिर इसमें 8 आगे करिए तो कितना होगा, अगर आप इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 39 में फिर प्लस 10 कर दीजिए तो ये हो गया 49। ये प्लस 10 वाला काम इसमें भी आपको करना है, पर यहाँ सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लास्ट, आप मेरा प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस 8 किया था हमने और 8 के बाद 10 आगे बढ़ गए थे 2 बार, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं तो हमने प्लस 8 किया 1 बार और प्लस 10 2 बार आगे बढ़ गए, करेक्ट। अब ये अगला सीरीज कैसे याद करने का, हाँ मैंने आपको कि क्यूट सिस्टर्स गेट स्मॉल या टाइनी, कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का मैं आपको बता रही थी, PB होता है जिसे हम लेड कहते हैं, ठीक है, PB इज़ फॉर लेड, 81, 82। जो अगली सीरीज में आपको बताऊंगी ना, उसमें 83 होगा, उसके बाद अगला 84, उसके बाद अगला 85, फिर लास्ट है 86, तो वो सेम सीरीज चलती है ना, तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप याद करिए 81, इसके बाद वाला लेड 82। क्यूट का आपका आएगा C, विच इज़ नथिंग बट कार्बन, तो ये 5 है तो अगला क्या होगा, 6 होगा एटॉमिक नंबर। फिर सिस्टर्स का SI इज़ फॉर सिलिकन, कैसे करेंगे, 6 में आप ऐड कर दीजिए कितना, 8, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना, मैं आपको बार बार इसलिए काउंट करके बता रही हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ आप मत फील करेंगे। अब यहाँ पे प्लस 10 किया था ना 8 बढ़ के, यहाँ पे भी अगर मैं 8 को ऐड करूँ तो कितना होगा, 22 होगा, 10 आगे बढ़ जाऊँगी यानी 32 होगा। क्यूट सिस्टर्स गेट, गेट का GE, जर्मेनियम, करेक्ट। स्मॉल या टाइनी कुछ भी करिए तो टिन याद होना चाहिए, लेकिन स्मॉल से क्या होगा, आपको नोटेशन याद होगा SN, टिन का नोटेशन SN होता है। क्या करना है, प्लस 8 मतलब 40 है ना, और उसमें 10 आगे बढ़ जाइए 50।
सी हाउ ईजली यू हैव मेड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये मैं आपको अभी स्लो करके बता रही हूँ तो आपको लग रहा है कि इट इज़ टाइम टेकिंग, लेकिन कभी भी आप इसे अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी 1, 2 और 3, 4 चार जो एलिमेंट्स का ग्रुप है वो आप याद कर सकते हैं और बहुत ईजिली. और ऐसा आप कभी रफ में करके बना के रख सकते हैं फॉर प्रैक्टिस इन योर एग्जाम्स या साइड में कहीं अगर आपके पास नोट है तो आपको भी गड़बड़ नहीं करेंगे. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर होगा. अब आगे मैं आपको बनाने वाली हूँ नेक्स्ट 5A 6A से, जिसे हम 7 और 8 भी कह सकते हैं. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट देखिए आपको क्लियर हो गया ना. मैंने आपसे कहा कि आप उसे 3A और 4A एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर 3rd और 4th ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. यहाँ तक हमने कर लिया. अब अगले दो कौन से हैं हमारे, उसे हम 5A और 6A, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टेरियम एंड पोलोनियम. ये आपके दो ग्रुप एलिमेंट्स में आपको और लिखना बता रही हूँ. ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स जब हम ये अलग अलग ग्रुप एलिमेंट्स को याद कर रहे हैं ना, जो अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसको जब हम एक साथ पूरा करेंगे तो देखिएगा आपका पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा. कोई भी चीज़ एक साथ मत करिए, ब्रेक में किया करिए. तो मैंने आपको कहा 5A और 6A. आपने जो मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको 1A में कम्प्लीट एक हिंदी सेंटेंस बताया था, हरी लीली ने कहा रब से फिर. ठीक है, फिर जब 2A बताया तो भी मैंने हिंदी में बताया था, बहुत मेहनत की सिर्फ बाबा राजा ने. इसके बाद मैंने आपको दो इंग्लिश के सेंटेंसेस बताए, बैगेट, एक तो बैग का नाम है BAGIT जो आप स्पेल करके लिख रहे थे बैगेट, और अगला एक इंग्लिश में बताया था कि क्यूट सिस्टर्स गेट स्मॉल या टाइनी प्रॉब्लम. तो दो इंग्लिश हो गए, दो हिंदी हो गए, तो अब एक हिंदी एक इंग्लिश कर लेते हैं. ये भी एक दिमाग में रहता है, सेंटेंसेस फ्रेम हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है, दिस विल अगेन गिव यू एन आइडिया. तो 5A के एलिमेंट्स में मैंने लिखा है कि नहीं पढ़ा ऐसा सबने बोला. ये तो सभी लोग कहते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, है ना, तो ये सेंटेंस बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा. नहीं पढ़ा ऐसा सबने बोला, नहीं का N इज़ फॉर नाइट्रोजन 7, करेक्ट. अभी देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आपको कौन से दो 81, 82 याद रखना है, जिसमें बोरॉन की सीरीज और कार्बन की चल रही थी, है ना, यानी 3A और 4A चल रही थी. अब इसमें अगर 81, 82 हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, ये 83 होगा और ये 84 होगा, करेक्ट. अब यहाँ पोस्ट है, यहाँ बोला, बोला का BI आएगा एंड BI इज़ फॉर बिस्मत. ये रेडी हो गया. पोस्ट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस है, ओ सीमा सेंड द पोस्ट, ओ सीमा सेंड द पोस्ट, है ना, यानी सीमा ने सेंड पोस्ट करी है एक, तो ओ सीमा सेंड द पोस्ट, पोस्ट इज़ फॉर योर PO पोलोनियम, पोस्ट PO पोलोनियम. इसको PB लेड से कन्फ्यूज नहीं होना है ना, जो हमने लास्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम का PB लिखा था दैट इज़ फॉर लेड, पोस्ट इज PO फॉर पोलोनियम. तो 83, 84 हो गया. अब मैंने आपको बताना 7 में क्या करिएगा, 8 हम जोड़ेंगे तो 8 + 7 कितना होता है 15, एंड यहाँ है पढ़ा, पढ़ा का P इज़ फॉर फॉस्फोरस एंड ये हो गया 15. अब देखिए मैं पूरा डिटेलिंग नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी करती जा सकती हूँ. ऐसा, ऐसा का AS, आर्सेनिक, प्लस 8 करना है तो 15 प्लस 8 कितना होता है 23, प्लस 10 करेंगे तो 33. आप जोड़ के देख लीजिए, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 प्लस 10 आर्सेनिक 33 में फिर हम 8 ऐड करेंगे तो 41, यानी अगला डेफिनेटली प्लस 10 में 51 और आर्सेनिक के बाद है सबने का आएगा SB मतलब एंटीमनी, करेक्ट. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ अलोंग विद द नंबर्स, सो इजी ना. ओ ऑक्सीजन का ओ, 7 के बाद अगला 8, एग्रीड. सीमा का S इज फॉर सल्फर, 8, 8, 16, सो सिंपल. सेंड का SE, पहले के दो वर्ड ले लीजिए, SE दैट इज सेलिनियम, SELENIUM सेलिनियम, 34 कैसे आएगा, 16 में 8 जोड़िए तो कितना होगा, इट इज़ 24 और 24 में प्लस 10 कर दीजिए तो 34, ठीक है.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, plus 10, 34. लास्ट है आपका टी एच, जो द का है उसका टी ई लिखते हैं, दैट इज टेलीरियम, टी ई एल एल यू आर आई यू एम, यानी टी ई. 34 में जब आप 8 को ऐड करेंगे तो 42 प्लस 10 इज 52. आई होप एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको. जब मैंने कहा ना हम पूरे एलिमेंट्स कर लेंगे अलग अलग फॉर्म में और जब उसे जोड़ेंगे तो लास्ट वीडियो में मेरा पूरा आपका पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा. देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे एलिमेंट्स के साथ आपको कंटिन्यू करूँगी या शायद आप खुद भी बना सकते हैं अब. थैंक यू.